गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डिक्शनरी ओपन कर लेनी है, फिर आप पेज पलटते जाइए। यहाँ पर जैसे कि लेटर लिखा हुआ है ए, तो आप कोई सभी मतलब वर्ड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लूँगी लेटर वर्ड अवेलेबल, तो यहाँ पर आपको ढूँढना है। आप देखिए यहाँ पर अबैक है, ये देखिए आपका पहला वर्ड है अबैक। तो अवेलेबल की जो स्पेलिंग होती है वो ए वी सेकेंड वर्ड है उसका वी। तो यहाँ पर कहीं पर आप देख सकते हैं बी है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पर भी देखे नहीं है। यहाँ पर ए सी है, तो ऐसे यहाँ पर लेटर वाइज दिया जाता है। तो देखिए अब जी आ गया है, ये देखिए पी आया है, और यहाँ पर अब लेटर आ गया हमारा वी, ये देखिए वी। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवेलेबल, इसका मतलब है ऑब्टेनेबल, प्राप्त। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसे करके फाइंड आउट करना है डिक्शनरी से। अब हम लोग कोई सेकंड वर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड वर्ड लूँगी, आप कोई सा भी वर्ड ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ लेटर बी से लूँ, तो लेटर बी से मैं लूँगी बींग। तो बींग भी आप ले सकते हैं, आप अपने मन का कोई सा भी वर्ड ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं लूँगी लेटर बींग। तो ये देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ पर बी लिखा हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ए है, तो बींग में जो होगा वो ई यूज होगा। तो यहाँ पर अभी ई नहीं आया है, अभी ए ही चल रहा है। अब हमारा आगे लेटर बी, ये देखिए अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आगे हमारा बींग। तो ऐसे ही करके आपको फाइंड आउट करना है, और ऐसे आप कोई सभी लेटर फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखिए, और डिक्शनरी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, आपको एंड में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर गृहस्थी का सामान है, और आपको यहाँ पर इंडियन स्टेट्स पता चलेंगी और यूनियन टेरिटरी, जो हमारी जनरल नॉलेज में बहुत मतलब यूज़ में आती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर डब्ल्यू बी है, वेल, देखिए। तो डिक्शनरी आपकी बहुत यूज़ में आएगी। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करिएगा तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।